Hi winners, I hope you all are well. This side Rajiv Anand. Welcome to Crypto Marg YouTube channel. Crypto का रास्ता. Winners, Layer 1 कैटेगरी में SEI ब्लॉकचेन का जो वीडियो है उसकी हमेशा वेट की जाती है. आपको ध्यान होगा लगभग आज से एक महीना पहले जब मैंने आप लोगों के साथ लेयर 1 कैटेगरी की SEI ब्लॉकचेन और इसके नेटिव टोकन के बारे में डिस्कस किया था, तब इसका प्राइस INR में 9 या 10 रुपए के बीच में था. विद इन लास्ट 1 मंथ इसका प्राइस 2x हो चुका है. मींस आज की डेट में ये प्राइस 24 रुपीस के आसपास चल रहा है. सबसे बड़ा रीजन क्या है? SEI ब्लॉकचेन का जो सबसे बेस्ट रीजन है वो है इथेरियम वर्चुअल मशीन कंपैटिबिलिटी. बट इट्स नॉट ओनली कंपैटिबल टू EVM. अब SEI ने कहीं ना कहीं पर एक ऐसा V2 अपग्रेड किया है जो अभी तक लेयर 1 की कैटेगरी में नंबर 1 अपग्रेड माना जा रहा है. इट मींस द फर्स्ट अपग्रेड इन EVM कंपैटिबल, और वो है पैरेलल फॉर्म में EVM कंपैटिबल SEI लेयर 1 ब्लॉकचेन. आइए इसको बहुत सिंपल टर्म में समझते हैं, और आने वाले फ्यूचर में SEI अगर जैसे हम लोग नेक्स्ट बुलरन की वेट कर रहे हैं तो SEI का जो नेटिव प्रोजेक्ट है उसके अंदर कितना बड़ा हम लोगों को प्राइस सेंटिमेंट दिख सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं. देखिए विनर्स, SEI का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है यहां पर नवंबर 29 को SEI V2 मतलब वर्जन 2 की बात की गई है. और ये एग्जैक्टली वर्जन 2 है क्या? पैरालाइजिंग द इथेरियम एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट. अब देखिए मैं यहां पर जब शो मोर पर क्लिक करता हूं तो आप लोगों को बहुत सिंपल टर्म में समझाता हूं. अभी तक आप लोगों ने ऐसी ब्लॉकचेन जरूर सुनी है जो इथेरियम पर लॉन्च की जाती हैं और EVM कंपैटिबल होती हैं. जैसे आप लोगों ने कोर का नाम सुना है, और इथेरियम के अंदर आप लोगों ने जो स्केलेबिलिटी इशू देखा है उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, उसके लिए L2 रिक्वायरमेंट है. अब L2 जो है लेयर 2 सॉल्यूशन, उसमें भी आप लोगों ने काफी सारे प्रोजेक्ट देखे हैं जो EVM कंपैटिबल है. लेकिन एग्जैक्टली SEI जो लेयर 1 ब्लॉकचेन है अब वो EVM कंपैटिबल के साथ साथ फर्स्ट पैरेललाइज्ड EVM ब्लॉकचेन बन चुका है. अब इसका एग्जैक्टली इंपैक्ट क्या है, और इसको अगर हम लोग टेक्निकल टर्म में समझें तो यहां पर आप देखिए साफ लिखा हुआ है दिस अप्रोच मींस दैट एनी इथेरियम और इथेरियम लेयर 2. अब देखिए एनी इथेरियम और इथेरियम लेयर 2 एप्लीकेशन कैन नाउ डिप्लॉय ऑन SEI. मतलब जो ऑलरेडी इथेरियम की स्केलेबिलिटी इशू के बाद लेयर 2 सॉल्यूशन बने हैं, फिर चाहे पॉलीगॉन मैटिक है, फिर चाहे आर्बिट्रम है, फिर चाहे आपका ऑप्टिमिज्म है, फिर चाहे आपका IMX है, ये जितने भी लेयर 2 सॉल्यूशन हैं वो भी अगर चाहें तो वह SEI नेटवर्क पर डिप्लॉय किए जा सकते हैं. इट मीन्स SEI इस टाइम पर वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी पैरेललाइज्ड EVM ब्लॉकचेन बनी है जो L2 के जो प्रोजेक्ट हैं उनको भी अपनी ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय करने के लिए रेडी हो चुकी है. हार्नेस ऑफ SEI स्पीड एंड थ्रूपुट, आउटपुट लेने के लिए, स्पीड को मेजर करने के लिए, या स्पीड के अंदर नई से नई एग्जीक्यूशन प्रोसेस को इंटरेक्ट करने के लिए यूजर कैन इंटरेक्ट एन SEI यूजिंग फेमिलियर टूल सच एज MetaMask. मतलब अब आप लोग इस ब्लॉकचेन को इजीली MetaMask में, जैसे आप लोगों ने इथेरियम को ऐड किया है, BNB को ऐड किया है, या बाकी किसी भी ब्लॉकचेन को ऐड किया है, आप बहुत इजीली MetaMask के अंदर इसके अंदर भी काम कर सकते हैं. और इसके जो नेटिव प्रोजेक्ट है, जो SEI ब्लॉकचेन पर नेटिव प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं, उसको भी इजीली बाय कर सकते हैं. अब यहां पर देखिए जो बेसिकली SEI का ये जो मेजर अनाउंसमेंट हुई है इसी का इंपैक्ट लास्ट 1 मंथ में SEI पर बिल्कुल सामने हमें दिख रहा है. अगर मैं यहां पर 1 मंथ का चार्ट निकालता हूं तो 1 मंथ पहले SEI का INR में प्राइस 9.97 था, और आज आप देखिए 23 और 24 रुपीस के बीच में SEI का प्राइस चल रहा है. लास्ट 1 मंथ के अंदर अप्रॉक्स 2x की ग्रोथ, 2x से ज्यादा की ग्रोथ जो है वो SEI के नेटिव प्रोजेक्ट में आ भी चुकी है. यहीं पर अब हम इनके बाकी ट्वीट्स देखें जो बहुत सिंपल टर्म में हम लोगों को समझ आने वाले हैं. 12 आवर्स पहले SEI ने जो SEI मरीन एम्बेसडर प्रोग्राम है उसकी जो गाइड है उसको प्रॉपर मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल करा दिया है. देखिए साफ मेंशन है, वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस दैट आवर SEI मरीन एम्बेसडर प्रोग्राम गाइड इज नाउ अवेलेबल इन मल्टीपल लैंग्वेज. मतलब यहां पर रशियन, चाइनीज, यूक्रेन, स्पेनिश, फ्रेंच, इंडोनेशियन, इंग्लिश तो होती है, इसके अलावा अब ये मल्टीपल लैंग्वेज में जो इनका प्रॉपर मरीन एम्बेसडर प्रोग्राम गाइड है उसको भी प्रॉपर एप्लीकेबल कर दिया गया है, अवेलेबल कर दिया गया है, जिससे SEI का जो फंडामेंटल है, SEI ब्लॉकचेन का जो इंफ्रा है, SEI ब्लॉकचेन के अंदर जो नंबर ऑफ नॉलेज है वो लोगों की इंक्रीज होगी, और कहीं ना कहीं पर SEI के अंदर एक नई से नई हमें लोगों को डेली अपडेशन देखने को मिलने वाली है. अब यहीं पर अगर हम लोग SEI के डिस्कॉर्ड चैनल्स की बात करें जहां पर मैरीन की अनाउंसमेंट की गई है उसका भी पूरा जो है वो डिटेल आपको इस ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर मिल जाएगी, गैलेक्स पे. योर Web3 कम्युनिटी इज वेटिंग. मतलब SEI आज की डेट में लेयर वन के साथ साथ अब हम बात करें तो वेब 3.0 में भी एक बहुत बड़ा कदम रखता हुआ बिकॉज ऑफ SEI मेजर एम्बेसडर प्रोग्राम, जो इसका नाम मैरीन रखा गया है। अब इसके बाद अगर हम लोग SEI के जो 15 घंटे पहले का प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो कहीं ना कहीं पर SEI का ट्वीट है, अगर आप उसको ध्यान से समझे, सो प्रोटोकॉल में जो रियल वर्ल्ड असेट्स है टू SEI स्टार्टिंग विद लग्जरी गुड्स, मतलब कहीं ना कहीं पर SEI आने वाले टाइम में, अगर मैं एग्जीक्यूशन की टर्म में बात करूं, यूज केस की टर्म में बात करूं, या जिस हिसाब से हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन में ट्रेड की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बात करते हैं, इन सब टर्म में SEI जो ब्लॉकचेन है वो आने वाले टाइम में हम लोगों को काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग होता डेफिनेटली दिखाई भी दे रहा है। IAN प्रोटोकॉल की तरफ से 16 आवर पहले फाइनली ऑफिशियल ट्वीट भी कर दिया गया है कि IAN इज ऑन SEI नेटवर्क, यानी कि SEI नेटवर्क में डेली बेसिस पर अब कोई ना कोई नए प्रोजेक्ट्स भी एड ऑन होते दिखाई दे रहे हैं, और ये लेयर वन प्रोजेक्ट जो है वो डेफिनेटली डे बाय डे हम लोगों को बहुत अच्छा प्राइस के सेंटीमेंट में भी अगर आप देखें और कहीं ना कहीं पर नेटवर्क या टेक्नोलॉजी की टर्म में भी देखें तो डे बाय डे इसके अंदर कुछ ना कुछ नई अपडेशन हम लोगों को दिखाई देने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात, बाइंग करना, जो आपने कई बार देखा होगा, बाइंग करने के लिए अगर हमारे इंडियन एक्सचेंज की बात करें तो सन क्रिप्टो में भी SEI अवेलेबल है, और इसके साथ साथ वर्ल्ड की लीडिंग एक्सचेंज बाइनेंस और कॉइनबेस में भी ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है, इवन क्रैकन में भी SEI अवेलेबल है। अब वर्ल्ड की टॉप 3 एक्सचेंज और हमारी इंडियन कम्युनिटी में भी मल्टीपल एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये प्रोजेक्ट इस टाइम पर अपनी सस्टेनेबल ग्रोथ और मूवमेंट के साथ डे बाय डे डेवलप किया भी जा रहा है। और ओवरऑल अगर आप लोग इसका प्राइस प्रेडिक्ट भी करते हैं चार्ट एनालिसिस के थ्रू तो 2024 में स्टार्टिंग में, अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 की बात करूं तो मार्च 2024 तक इसका प्राइस, अगर मैं नेटिव प्रोजेक्ट की बात करूं तो कहीं ना कहीं पर $1 एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है। तो SEI हमारे लिए इस टाइम पर लेयर 1 कैटेगरी का टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट बन चुका है, और ईवीएम कंपैटिबल के साथ जो L2 प्रोजेक्ट्स हैं, उन L2 प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करने के लिए जो ये पैरेलल ब्लॉकचेन बनाई गई है, ये कहीं ना कहीं पर SEI नेटवर्क का जो V2 अपग्रेड है, ये मेरे हिसाब से काफी बड़ा अपग्रेड बन सकता है आने वाले फ्यूचर में SEI नेटवर्क के लिए। और इसी के साथ साथ जो कहीं ना कहीं पर बग बाउंटी प्रोग्राम है उसको भी SEI फाउंडेशन में लॉन्च करने की बात की गई है नवंबर 30 को, अनाउंसिंग दैट SEI फाउंडेशन बग बाउंटी प्रोग्राम, जहां पर आप लोगों को प्रॉपर स्टेबल प्लेटफॉर्म और जो आपके इश्यूज आते हैं उसको रिस्पॉन्स मिलने का प्रॉपर प्रोग्राम जो है वो बनाया गया है विद द पावर ऑफ इम्यूनिफाई। बग बाउंटी प्रोग्राम मतलब बग्स, जो एरर्स आती है, जो प्रॉपर कोई भी प्रोटोकॉल रन कर रहे हैं, कोई भी टेक्निकल इश्यूज आ रहा है, उससे रिलेटेड जो सॉल्यूशन है उसके लिए बग बाउंटी प्रोग्राम जो है वो SEI ऑलरेडी नवंबर 30 को लॉन्च कर भी चुका है। मींस SEI इस टाइम पर लेयर 1 कैटेगरी का काफी अच्छा प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुका है, और V2 आने से ईवीएम कंपैटिबल के अंदर जो SEI ने अपनी फर्स्ट पैरेलल ब्लॉकचेन बनाई है, ये आने वाले फ्यूचर में SEI प्रोजेक्ट को काफी बड़ा बना सकती है। टेक्निकल फॉर्म में जो डेवलपर साइड है, डेवलपर साइड इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं पर फर्स्ट पैरेलल ब्लॉकचेन आ रहा और L2 सॉल्यूशन का लेयर 1 ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय होना, ये अपने आप में टेक्निकल टर्म एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज बन जाती है। इसके अलावा इसी टेक्निकल टर्म से अगर आप लोग SEI के प्राइस को भी मैप करें तो आने वाले 3-4 महीने में हमें SEI के प्राइस के अंदर भी काफी अच्छी मूवमेंट दिखाई दे रही है, बिकॉज जितना ज्यादा एक ब्लॉकचेन का यूज होता है उतना ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन और उतना ज्यादा उस ब्लॉकचेन की वर्थ बनती है, तो डेफिनेटली उसका जो नेटिव प्रोजेक्ट है उसका भी डेफिनेटली प्राइसिंग के टर्म में वर्थ बनना बहुत जरूरी बन जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, बट प्लीज कीप इट इन माइंड यू आर इन द हाईली वोलेटाइल मार्केट, सो इफ यू वांट टू बाय, इफ यू वांट टू स्टार्ट, इफ यू वांट टू ट्रेड इन क्रिप्टो, please do your own research first. Thank you so much for watching this video and please do subscribe CryptoMark YouTube channel for more updates. Thank you so much.